वो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन जी की है ना, कि राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा, ऐसा ही कुछ था ना डायलॉग, वही हाँ सुपर 36 30 हाँ, तो वही चीज होनी चाहिए राजनीति में भी कि यार चलो विधायक का बेटा विधायक ही नहीं बनेगा। वैसे यूथ को चाहिए क्या एक्चुअली में? यूथ को तो सबसे ज्यादा विकास ही चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए एंड तरक्की हो, ग्रोथ हो, ओवरऑल देश की ग्रोथ हो। भारत में यंग पॉलिटिशियन यंग लीडरशिप की कमी है? नहीं बिल्कुल नहीं। बैंगलोर में सूर्या जी है, हाँ। है ना, आपके राजस्थान में जैसे आपने पायलट बोला, यहाँ पे सिंधिया जी है ना, ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन आप उनको लाइट में आने नहीं दे रहे क्योंकि मौका देना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो किस हद तक हावी है, उसके मायने या उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन जी की है ना, कि राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा, ऐसा ही कुछ था ना डायलॉग, वही हाँ सुपर 36 30 हाँ, तो वही चीज होनी चाहिए राजनीति में भी कि यार चलो विधायक का बेटा विधायक ही नहीं बनेगा, भाई उनको उनने नाम कमाया अच्छी बात है, लेकिन किसी जमीन से जुड़े व्यक्ति को भी मौका मिला, भाई उनने कमा लिया, उनका जो टाइम पीरियड था कमाने का उनने कमा लिया, अपनी तिजोरी भर ली, अब वो ये चाहते हैं और कमाएं, भाई किसी नए व्यक्ति को भी मौका मिले जो काम करना चाहता है। अभी जैसे आपने बोला कि मध्य प्रदेश में सीएम स्वराज आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, किसी मतलब 60% वोट तो यही जाएंगे कि नहीं आने चाहिए मध्य प्रदेश में। अब चेहरा चाहिए है किसी यूथ का, मध्य प्रदेश में अब नया चेहरा चाहिए, मामा को देख देख के बोर हो गए हैं हम सब, बहुत देख लिया है मामा को, बोर हो चुके हैं मामा को देख देख के, मामा केंद्र में जाएं वहां बैठें, वहां से अपने भांजे भांजियों के लिए करें विकास, हैं वहां से करें, यहां पे अब हमें चाहिए है मामा नहीं चाहिए, हमें कोई भाई चाहिए है। अच्छा हाँ। हमारा दोस्त यार उस टाइप से होना चाहिए, हमारे साथ का ही होना चाहिए जो हमारी तरह सोचे, जो हम लोगों को समझे कि इनको क्या चाहिए, क्या क्या विकास चाहिए। वैसे यूथ को चाहिए क्या एक्चुअली में? यूथ को तो सबसे ज्यादा विकास ही चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए एंड तरक्की हो, ग्रोथ हो, ओवरऑल देश की ग्रोथ हो।